हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल सुपर आइडिया में। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं, आपके लिए मैं कोई ना कोई वीडियो लेके आता रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी मदद मिलती है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ऐसे ही आज वीडियो फिर से मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने एक जॉब जो है इसमें बांध कर रखा हुआ, तो इसका मैंने जो है चेकनट बनाना है जो कि इनसाइड जो है स्क्वायर थ्रेड रहेगा तो उल्टे हाथ का थ्रेड जो है इसमें रहेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये किस पे लगेगा वे मैं उसका भी आपको जो है डाटा दिखा देता हूं। और शाफ्ट है जो मतलब कि थ्रेड किया हुआ है स्क्वायर का, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये स्क्वायर थ्रेड है और ये देख चेक करेंगे हम कि इंची वाला है या ये अपना MM वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम एगो स्केल ले लेंगे, स्केल से हम जो है कि इसका मेजर करेंगे कि ये इंची वाला है या फिर MM में है। तो आप देख रहे हैं, मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये एक इंची पे हमने लगा लिया। तो दोस्तों ये है जो है कि MM वाला है, सॉरी इंची वाला है, ठीक है, इंची थ्रेड है। तो ये एक इंच में अपने 5 थ्रेड आ रहे हैं, ठीक है, आप काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए एक इंच में जो है कि 5 थ्रेड आ रहे हैं, ओके। तो इसी का हमें जो है कि थ्रेड बनाना है और ये स्क्वायर थ्रेड है, प्योर स्क्वायर थ्रेड है, ना कि वी थ्रेड है, ये स्क्वायर थ्रेड है और ये SS का जॉब है। तो इसके लिए हम चकनट जो है कि बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम जो है कि अपना चकनट को टर्निंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद फिर हम उसको थ्रेड बनाएंगे। तो ये रहा हमारा जॉब। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम जल्द से जल्द मुद्दे पे आएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जो है कि प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम जो है कि मशीन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसको टर्निंग कर लेते हैं। इसका साइज जो है हम इसको OD जो है इसका 45 mm रखेंगे और अंदर का होल जो है 20 mm है। तो दोस्तों इसको मैं जो है कि जल्दी से इसको टर्निंग कर लेता हूँ। अगर मैं फुल वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जल्दी से मैं इसको जो है कि टर्निंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा टर्निंग जो है कम्प्लीट हो चुका है, अब इसमें हम जो है ड्रिल मारेंगे। ड्रिल करने के बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको जॉब को जो है इसमें हम थ्रू करेंगे। थ्रू करने के बाद हम उसमें थ्रेड कटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अब हम इसका ड्रिल भी जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ड्रिल भी मैंने जो है कि सेट कर लिया है, अब ड्रिल इसको कटिंग करते हैं। धीरे धीरे जो है कि हम ड्रिल को पार कर लेंगे, उसके बाद फिर ड्रिल खोल कर रख देंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा है कि बोर का काम रह जाएगा, तो बोर हम उसको कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो ड्रिल था वो भी होल भी कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें रह गया है कि अब हम इसको बोर करेंगे, उसके बाद हम थ्रेड कटिंग करने जाएंगे, ठीक है। तो थ्रेड के लिए हमें गियर भी चेंज करना है, जिसके लिए हमें थ्रेड गियर जो है कि 30 और 50 का लगेगा। ये हमारा जो लेद मशीन है ये 4 TPI लीड स्क्रूव है, तो 2 TPI का है, उसका जो प्रोसेस अलग रहता है।
तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो इसे 4 TPI का है, तो इसमें 30 जो है कि ऊपर लगेगा यानी कि ए में, और डी में लगेगा 50, और बीच में आप कोई भी गियर जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप गियर बीच में जो है कि गियर लगा सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम बोर भी इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसे जो है कि बीचों बीच कटिंग करने वाले हैं, जो कि हमें दो इसमें काट के बना देंगे, ये अलग हम रख देंगे और एक ठोका जो है हम थ्रेड बना के उसको चकनेट बना देंगे, ठीक है। तो अब इसको बीचों बीच में जो है कि इसको कटिंग करने वाला हूँ, तो उसके बाद फिर मैं ये जो जॉब कटिंग करूँगा इसमें बांध के उसके बाद मैं थ्रेड कटिंग करूँगा। तो चलिए अब मैं मशीन को ऑन कर देता हूँ। दोस्तों जल्दी से मैं इसको कटिंग कर लूँ, क्योंकि हमें आगे पीछे करके इसको जो है बीचों बीच कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको कटिंग करके उसके बाद इसको जॉब को मैं थ्रू कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने कटिंग कर लिया है, अब इसको सामने से फेस दे के उसके बाद इसको बोर करेंगे, बोर करने के बाद इसको थ्रेड कटिंग कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से अब इसको मैं फेस दे के अब बोर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फाइनली हम थ्रेड पर मिलेंगे, जो कि थ्रेड सेटिंग करने के बाद फिर हम थ्रेड कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमारा बोर जो है कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको जो है कि थ्रेड कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना गियर चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है इसमें गियर जो लगेगा 30 और 50 का गियर लगेगा, तो यहाँ ए में जो है कि हमें 30 का गियर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है कि हमें 50 का गियर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और बीच में हम कोई भी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं जो कि उसके साथ में मैच हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब मैं जल्दी से इसको गियर को चेंज कर लेता हूँ। तो अब आप देख लीजिए मैंने गियर जो है कि सेट कर दिया है। बहुत सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जिनको मतलब कि ये ऐसा गियर सेट करने नहीं आता, तो वो बार बार मुझे कमेंट करते हैं कि सर बीच में हम कैसा गियर लगाएंगे, कौन सा गियर लाएंगे। तो मैंने देख लीजिए बीच में 127 का गियर जो है एडजस्ट कर दिया, क्योंकि यही वाला एडजस्ट हो रहा था। तो दोस्तों चलिए अब हम जो है कि इसमें थ्रेड कटिंग कर लेते हैं, तो साथ में साथ आपको मैं दिखाता भी जाऊंगा। तो दोस्तों सब सेट मैंने जो है कि कर दिया है, अब इसमें बस थ्रेड कटिंग करना है। तो चलिए अब जल्दी से हम जो है कि इसमें थ्रेड कटिंग कर लेते हैं। जो कि ये है इसको अंदर से हम बाहर की ओर लेंगे, जो इसका जो है कि उल्टा थ्रेड है इसको हम अंदर से बाहर की ओर में मतलब कि इसको लेंगे, ताकि हमारा जो है उल्टा थ्रेड बने, ठीक है। ये मैंने लोहा इसलिए लगाया है कि ताकि हमारा जो ये टूल है वाइब्रेट ना करे ज़्यादा, तो क्योंकि पतला टूल है वाइब्रेट जो करता ही है, तो इसलिए मैंने लगा दिया कि ताकि वाइब्रेट ना करे। तो चलिए अब थ्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो है कि चकनेट बन के रेडी हो गया है। इसमें देखिए आपको दिखा रहा हूँ, इसमें स्क्वायर थ्रेड जो है बन के अब रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम शाफ्ट चढ़ा के देखेंगे कि हमारा प्रॉपर तरीके से शाफ्ट इसमें चढ़ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये रहा शाफ्ट, अब इसमें हम चढ़ा के देखते हैं। तो दोस्तों शाफ्ट जो है कि हमारा थ्रेड जो है बहुत ही स्मूथली बना हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से जो है कि वर्क कर रहा है। तो आशा करता हूँ गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल पूछने वाला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।